खबर मुंबई के करीब पालघर के नालासोपारा इलाके की है, जहां पर नगर पालिका की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। यहां इस हादसे में करीब 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक होटल जलकर राख हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की टीम नाले की चौड़ीकरण के लिए खुदाई कर रही थी, लेकिन टीम को इस बात की खबर नहीं थी कि वहां गैस की पाइप लाइन भी है। नाले की खुदाई के दौरान हाइड्रोलिक मशीन से पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा और गैस रिसाव होने लगा। हालांकि रिसाव की जानकारी मिलते ही काम को रोक दिया गया, लेकिन गैस का लीकेज नहीं रोका जा सका। परिणाम स्वरूप अधिक रिसाव के बाद अचानक एक ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। आग में द्वारका होटल जलकर राख हो गया और 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इस घटना में घायल सुंदरवी शेट्टी, गोपाल एस बंगेरा, चंद्र मगर और राजेश कुमार शामिल हैं। वहीं बंगरा की हालत गंभीर बताई जा रही है, सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। घटनास्थल में कुछ ही दूर पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है। हालांकि ये साफ नहीं है कि आग लगने के कितने देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है।